नमस्कार, माय बावली हिंदी समाचार में आपका स्वागत है और मैं हूं शेख इस्माइल। आदिलाबाद भाजपा विधायक उम्मीदवार पायल शंकर का दौरा, बेला मंडल के चांदपली, भवानीगुड़ा, रमखम, पौनारा, देवाचीगुड़ा, मायंगरुड़, कोब्बई, पाठन में हुआ। चांदपली में गर्मजोशी से उनका स्वागत किया गया। दंडारी घुसाड़ी भी मौजूद रही। आरती के साथ पूजा पाठ भी किया गया। फिर वहाँ पर जनता को संबोधित किए पायल शंकर। उन्होंने कहा कि आदिवासियों की ये जो सहूलतें मिलना था, वो सारी सहूलतें बीआरएस सरकार छीन रही है। आदिवासियों के खिलाफ है ये सरकार, क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए विधायक ने वोट नहीं डाला। इन सभी गांवों में अनगिनत समस्याएं हैं। विधायक बनूंगा तो सबसे पहले 3 महीने के अंदर आदिवासी भाइयों के पैसे जो खाए हैं वो सब मैं निकालूंगा। फिर उसके बाद में भवानीगुड़ा में दाखिल हुए, वहाँ का तो मंजर ही कुछ निराला था। बच्चे तो बच्चे, बुजुर्ग और महिला भी प्रचार गाने पर थिरकने लगे। फिर आरती उतारी गई, उन पर फूल बरसाए गए। गांव के चौक पर पायल शंकर ने कहा कि इस गांव से निकलना मेरा दिल नहीं कर रहा है, लेकिन हाँ मजबूरी है, दूसरे गांव में भी प्रचार के लिए जाना होगा। लेकिन सुनो, बेला मंडल के गुत्तेदार को भी सबक सिखाना है। बहुत लूट चुके हैं ये गुत्तेदार, इस बार फूल के बटन को दबाकर मुझे आगे बढ़ाए। फिर पौनाला में बैंड बाजे, फटाके और आतिशबाजी के साथ उनका स्वागत किया गया। गांव की समस्या सुनी, गोवारी समाज की भी समस्या सुनी। उनका समाधान 3 महीने के अंदर करेंगे, ऐसा कहा। कुछ युवा भाजपा में भी शामिल हुए। के आशीर्वाद से इस बार पूरा आदिलाबाद में माहौल बहुत अच्छा माहौल है। दिसंबर 3 तारीख के दिन सब अपन जीतने वाले हैं।